तो कुछ ही देर में 2019 हो जाएगा ख़त्म और स्टार्ट हो जाएगा 2020, और हम लोग फटाफट अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस भेजना शुरू कर देंगे। और स्टिकर्स एक बहुत अच्छा तरीका है अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने इमोशंस, अपने विशेस शेयर करने का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे स्टिकर्स और मेरे दोस्तों के स्टिकर्स लगभग सेम होते हैं, इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपना खुद का पर्सनलाइज स्टिकर्स क्रिएट करें। लेकिन कैसे? वो ऐसे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आईफोन पे या किसी भी फ़ोन पे अपने खुद के पर्सनलाइज स्टिकर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्वागत है आप सबका आई एम डिजिटली योर्स यूट्यूब चैनल के 2019 के आखिरी वीडियो में मेरे यार। ये है एक मंगलवार। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जिन्हें मुझे कन्वर्ट करना है स्टिकर्स में। इन इमेजेस को मैंने डाउनलोड किया है इंटरनेट से, और ये वाला इमेज मैंने बनाया है फोटोशॉप में। तो स्टिकर्स बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना। इसके लिए हम लोग जाएंगे एक वेबसाइट पे जिसका नाम है remove.bg। ये एक फ्री वेबसाइट है और यहाँ पे आप किसी भी इमेज को अपलोड करके उसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। मैं क्लिक कर रहा हूँ अपलोड इमेज पे और यहाँ पे चूज करूँगा ऑप्शन फोटो लाइब्रेरी। उसके बाद सेलेक्ट करूँगा ये वाला फ़ोटो और इसको अपलोड कर दूँगा। अब इस फोटो का बैकग्राउंड पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया है, आप देख सकते हैं कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर का। अब मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा इस ट्रांसपेरेंट फोटो पे और इसको फोटोज़ में सेव कर दूंगा। इसी तरीके से दूसरे फोटोज़ को अपलोड करके उनके बैकग्राउंड्स को भी हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो ये सारे ट्रांसपेरेंट फोटोज़ मेरे फोटोज़ के ऐप में सेव हो गए हैं, और अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनको स्टिकर्स में। इसके लिए हम लोग डाउनलोड करेंगे एक फ्री ऐप जिसका नाम है स्टिकर मेकर फॉर व्हाट्सएप। प्रेस करेंगे टैप टू स्टार्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे स्टिकर्स के ऑप्शन हैं जिनको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमको क्रिएट करना है अपना खुद का स्टिकर, इसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे ऑप्शन क्रिएट। सबसे पहले आपको एक नाम देना है अपने स्टिकर पैक का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैप्पी 2020, और पब्लिशर नेम में मैं लिख रहा हूँ आई एम डिजिटली योर्स, और ओपन कर देंगे हमारा स्टिकर पैक। एक स्टिकर पैक बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 फोटोज़ अपलोड करने हैं। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ पहले फ़ोटो पे और उसके बाद चूज़ करूँगा ऑप्शन गैलरी, और उसके बाद अपने ट्रांसपेरेंट फ़ोटोज़ में से एक फ़ोटो को अपलोड कर दूँगा। इस ऐप में हमको ढेर सारे इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप शेप फ्रेम या फ़ोटो इफ़ेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। आप फ़ोटो को रिसाइज या रोटेट भी कर सकते हैं। मैं प्रेस करूँगा नेक्स्ट पे, और यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमोजीज ऐड कर सकते हैं, या आप बैकग्राउंड को और प्रिसाइज तरीके से इरेज कर सकते हैं। मैं प्रेस कर रहा हूँ टिक मार्क पे, और हमारा पहला स्टिकर रेडी है। इसी तरीके से हम दूसरे फोटोज़ को भी स्टिकर्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद नीचे प्रेस करेंगे ऐड टू व्हाट्सएप पे, और उसके बाद प्रेस करेंगे सेव। अब हम एक्सेस कर सकते हैं इन स्टिकर्स को काफ़ी आसानी से इस स्टिकर वाले बटन से। प्रेस करेंगे इसको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 3 स्टिकर्स जो हमने अभी अभी बनाए हैं। आइए इनको टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप अपना स्टिकर पैक शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ऐप की मदद से कर सकते हैं। जिस किसी को भी आप ये भेजेंगे उसके पास एक zip फोल्डर आ जाएगा, उसको सिर्फ फोटोज़ को इम्पोर्ट करना है, और इस वीडियो में बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके वो इन स्टिकर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यार जल्दी से अपने पर्सनलाइज स्टिकर्स को क्रिएट करिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए। तो आई एम डिजिटली योर्स, और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार वालों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ये दुआ है कि ये नया साल आपके पिछले साल से कई ज़्यादा अच्छा रहे और कई ज़्यादा आप उसमें तरक्की करें। अगर आपके कोई वीडियो आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ उसको मेरे साथ शेयर करिए इस हैशटैग के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो। आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे मिलने आऊँगा अगले साल यानी कि थर्सडे को 2 मिनट थर्सडे के नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। हैप्पी न्यू ईयर।